हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हर हर महादेव, जय गौ माता। आज हम आपके सामने बहुत ही बेस्ट गौ माता का वीडियो लेके आए हैं। आप देख सकते हो, ये उसका फर्स्ट वेतर का बछड़ा है और सेकंड बार का बछड़ा है, और अभी वो प्रेग्नेंट है 5 महीने की, और अभी भी दोनों टाइम 4-4 लीटर दूध दे रही है, मतलब पूरे दिन का 8 लीटर दूध है। नीलडी गाय बहुत ही अच्छी पेडिग्री की है और बहुत ही अच्छी। इसका फादर का नाम था राजवीर। ये हमारी जमुनागिरी गौशाला में है और ये सेल के लिए हैं तीनों के तीनों। अगर आपको जाइए तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे, जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, इसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हो ताकि इसकी डिटेल और कीमत हम आपको कह देंगे। और एक दूसरी बहुत ही शानदार काबरी गाय है, जो कि एक टाइम का 10 लीटर दूध देने वाली गाय, जो सेकेंड बार बच्चा देने वाली। लेकिन इसकी हाइट बॉडी की बात की जाए मित्रों, तो एक गाड़ी में अकेली गाय आ सकती है, इतनी बड़ी गाय है। ये भी सेल के लिए हैं और आप देख सकते हो, ये जो वाड़े में गाय हैं सभी सेल के लिए हैं। इसके नीचे ये बछड़ी हैं, बहुत ही शानदार हैं, और ये सभी की सभी गौ माता है, सेल के लिए हैं। तो अगर ये आपको चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ताकि हम इसकी डिटेल और कीमत आपको कह देंगे। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट डाल के। और ये काबरी गाय है, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी गौ माता है। देखिए, ये बहुत बड़ी और बहुत हेवी गाय है मित्रों। ये एक टाइम का 10 लीटर दूध देने वाली गाय है और ये अभी 10 से 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लेगी ये बच्चा देने, और सेकेंड बार बच्चा देने वाली है। लेकिन इसकी हाइट बॉडी की बात की जाए तो बहुत हेवी है। और ये एक ताजी जनी हुई गाय है जिसका एक टाइम का अभी 8 लीटर दूध है। नीचे बछड़ा है जो तोखार का है, बहुत ही शानदार बछड़ा है। ये भी सेल के लिए है और ये सेकेंड बार बच्चा दिया हुआ है मित्रों। अभी इसका मिल्किंग होने के बाद का वीडियो है। इसका जो मिल्किंग का पहले का वीडियो अगर देखते तो इसका थन बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे डेयर क्वालिटी के हैं। और ये दूसरी सेकेंड बार जनी हुई इसके नीचे बछड़ा है, इसकी भी मिल्क कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसका एक टाइम का 6 लीटर दूध है। अभी इसका दूध बढ़ेगा क्योंकि ये भी ताज़ी जनी हुई है, ये भी सेल के लिए है। इसके नीचे भी तोखर का बछड़ा है और ये भी बहुत ही अच्छी बछड़ी है। आप देख सकते हो, इसका आर्डर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। तो मित्रों, ऐसी कैसी हमारे पास काफ़ी सारी गौ माता है, और एक बछड़ी हम आपको दिखाएंगे जो भी सेल के लिए। देखिए, ये कुबेर की है और इसकी मदर थी वो भुवनेश्वरी पीठ की है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हो मित्रों, ये जितनी जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी इसकी सुंदरता बहुत ही शानदार दिखी जा रही है, आप देख सकते हो। और हमारे पास कुबेर के काफ़ी सारी बछड़ियाँ हैं और बछड़े भी हैं जो सेल के लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी गौशाला है सूरत गुजरात में। तो मित्रों, और एक हम आपको फर्स्ट वेतर की, जो हमारे पास पूनम नाम की गाय थी, उसकी फर्स्ट वाली बछड़ी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये भी अभी 1 महीने के अंदर बच्चा देने वाली हैं। ये जो धौली ना का बूल था उसकी हैं, ये बहुत ही शानदार हैं। हमारे मित्र के पास से जब हम पूनम लाए थे तब ये बछड़ी बंटी भाई के पास, तब ये छोटी थी। ये देखिए, उसकी माँ की तरह इसका आर्डर निकलेगा और इसकी हाइट बॉडी बहुत ही अच्छी है। देखिए, कुबेर की जितनी इसकी हाइट बॉडी हमारे बूल की जितनी, ये भी सेल के लिए मित्रों। तो आप हमें इसका, और एक देखिए हमारे पास भुवनेश्वरी पीठ की गाय, जो अभी कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लेगी। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी पेडिग्री की मित्रों, ये प्योर भुवनेश्वरी पीठ की गाय है। आप देख सकते हो, इसकी भी मिल्क कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। इसका मुंह आप देख सकते हो एकदम शॉर्ट है, और इसका सर बहुत ही अच्छा है, जैसे उल्टा मटका हो इस तरह। और इसके सिंग जो पट्टी हैं और बहुत ही अच्छे हैं, जैसे हमारी गोल्ड कपिला के सिंग है, सेम इसके ऐसे सिंग है। ये भी सेल के लिए मित्रों, और ये बहुत ही शानदार बुल से प्रेग्नेंट हैं। वो तो आप बुल पहचानते हो, जो कुबेर है हमारे पास। और मित्रों, ऐसी की ऐसी हमारे पास, अभी आप अंत तक बने रहिए, काफ़ी सारी हम गौ माता आपको दिखाएंगे जो कि हमारे पास सेल के लिए हैं, हमारी गौशाला है सूरत गुजरात में। तो मित्रों, हमारे पास एक से एक यूनिक गौ माता हैं जो सेल के लिए हैं। आप देख सकते हो, ये फर्स्ट वेतर की बछड़ी हैं जो बाजू में है, वो भी पूनम की है। उसकी ऑर्डर क्वालिटी भी बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही अच्छी हैं। तो ये भी सेल के लिए, ये हमारे पूनम जो हमारी एक टाइम का 14 लीटर दूध देने वाली गाय थी, और उसकी हम छोटी बहन आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये उसका कुबेर का ये बछड़ा है, आप देख सकते हो, जो हम हमारे मित्र निकुंज भाई हैं उनके पास से लाए हुए हैं। ये भी हमारे पास सर्विस में चालू हो गया है। तो मित्रों, एक से एक शानदार बछड़ी आप देख सकते हो हमारे पास, बहुत ही अच्छी पेडिग्री की और बहुत ही अच्छी नस्ल की, जो कि इसका नाम है पूनम। आप देख सकते हो, ये भी पूनम की हैं और उसके पीछे हैं, वो भी बहुत शानदार हैं। और एक हम आपको बहुत ही शानदार गौ माता दिखाएंगे, लीलड़ी, जो कि फर्स्ट वेतर की हैं और प्रेग्नेंट भी हैं 3 से 4 महीने की, और एक टाइम का मित्रों 4 लीटर अभी दूध दे रही है, मतलब पूरे दिन का 8 लीटर। इसका आर्डर बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसकी हाइट बॉडी की बात की जाए तो हमारी सभी गाय इसके सामने छोटी दिखती हैं। इसकी हाइट लंबाई बहुत ही अच्छी है, और जैसे जैसे खून पकड़ेगी इसकी और हाइट बढ़ेगी।
और आप देख ही सकते हो कुबेर हमारे पास कितना अच्छा हो गया सिंग निकालने के बाद और बहुत ही शानदार बन गया है। अभी हमारी सारी गाय इससे प्रेग्नेंट होगी जो जो भी बच्चा देगी, क्योंकि हमारी देखिए कुंडी आज 22 दिन हो गया और प्रेग्नेंट भी हो गई है कुबेर से। और कपिला बस हमारी 8 से 10 दिन में वो भी बच्चा देने वाली है, तो कपिला भी अभी नेक्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होगी तो कुबेर से ही होगी। जितनी भी कुंडी हमारे पास जो भी गायें हैं सभी की सभी अभी कुबेर का ही हम पूरा वाड़ा लेंगे और कुबेर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हमारे पास दूसरी बार भी सब आएगा। मित्रों तो एक से एक शानदार गौमाता हमारे पास हैं जो सेल के लिए हैं। अगर इनमें से कोई भी गौमाता आपको पसंद है तो इसका क्रीन शॉट आप हमें इस नंबर पर डाल सकते हो ताकि इसकी डिटेल और कीमत हम आपको कह देंगे। और ये देखिए पूरी गोल्ड कपिला आपने गाय तो काफ़ी सारी देखी होगी, लेकिन इतनी गोल्ड और इतनी यूनिक गाय बहुत ही कम देखी होगी मित्रों। इसकी सींग पैटर्न जो है बहुत ही शानदार है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय गो माता, वंदे मातरम।